नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस जादौन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का आप गलत यूज ना करें। यदि आप इस वीडियो का गलत यूज करते हैं, इस ट्रिक का गलत यूज करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारे यूट्यूब चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए प्लीज इस वीडियो का आप किसी भी तरीके से गलत यूज ना करें। दोस्तों आज मैं आपको व्हाट्सएप की कुछ ऐसी अमेजिंग और फंटास्टिक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों बहुत खतरनाक ट्रिक है, आपने हो सकता है व्हाट्सएप पर पहले देखी भी हो काफी लोगों ने और काफी लोगों ने नहीं भी देखी हो, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ और बहुत मजेदार ट्रिक है। आप वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको 5-6 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें काफी लोगों को पता भी नहीं होता कि ये रियल में ऐसा होता है या नहीं होता। बहुत शानदार ट्रिक है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यदि आप नए मेहमान हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूं एक एक करके पांचों ट्रिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले व्हाट्सअप की ट्रिक हमारी है, हम व्हाट्सअप पर ओपन करेंगे दोस्तों, और जब हम व्हाट्सअप पर ओपन कर लेंगे तो उसके बाद में हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। जैसे कि मैं किसी को भी मैसेज भेजूंगा, जैसे मैं इस ग्रुप में ले लेता हूं, और यहां पर यदि मैं मैसेज भेजता हूं, चाहे आप किसी पर्सनल व्यक्ति को भेजो या ग्रुप में भेजो, तो जैसे हम यहां पर मैसेज करेंगे तो जैसे हमने कुछ भी लिखा है यहां पर, तो हमको ये दिख रहा होगा, आपको एंटर का बटन होता है ऊपर जहां से हम डायरेक्ट एंटर करते हैं। इस बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तब एंटर होता है। तो जैसे मैं आपको लिख के भी बता देता हूं, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग, तो यदि मैं इसको अब भेजना चाहूंगा तो आपको यहां पर ऊपर एंटर के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करोगे तब ये सेंड होगा। तो दोस्तों अब हम डायरेक्ट ये हमको उस पर क्लिक नहीं करना और सीधे हमको भेजना है। नीचे आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड के बटन का जो स्पेस है, जिससे हम स्पेस लगाते हैं नीचे कीबोर्ड के बटन में, तो उसके इधर की नीचे देखो आप राइट साइड में एक ग्रीन बटन दिख रहा होगा, उस पर हम क्लिक करके सीधे मैसेज भेज सकते हैं। आपको वहाँ पर ऊपर एंटर के बटन पर क्लिक करके भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हम सीधे यहाँ से भेज सकते हैं। अब वो कैसे भेज सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमारा जो व्हाट्सअप ऐप है उसमें आपको ऊपर ही जाना होगा, और ऊपर जाने के बाद में आपको ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे राइट साइड में, तो उस पर हमको क्लिक करना है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में सेटिंग पर क्लिक करना है। दोस्तों हमको सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में हमको चैट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों चैट पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है एंटर इज सेंड। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने ऑफ कर दिया है एंटर इज सेंड, अब यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे। तो दोस्तों अब ये हमारा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको मैसेज करके बताता हूँ कि हम जैसे ही मैसेज को टाइप करेंगे तो वो सेंड हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कुछ भी, गुड मॉर्निंग हमने यहाँ पर लिख दिया वापस। अब दोस्तों इसको आपको ऊपर से सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आप ये स्पेस का जो बटन है उसके साइड में ग्रीन बटन है राइट साइड में, उस पर आपको क्लिक करना है और मैसेज सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैसेज सेंड हो चुका है यहाँ पर हमारा। तो ये फर्स्ट ट्रिक हमारी ये थी। अब दोस्तों सेकंड ट्रिक में क्या है, सेकंड ट्रिक में आपको बता देता हूँ। सेकंड ट्रिक में हमको कुछ नहीं करना होता, जैसे कि हमको किसी मैसेज को स्टार करना है। जैसे ये मैसेज है, हमने किसी भी ग्रुप में मैसेज ले लिया और इस ग्रुप में हमको ये मैसेज पसंद आ गया, तो हम इसको वापस देखना चाहते हैं तो इसको हम स्टार कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको को दबाया रखा, जैसे हमने इसको दबा दिया, तो जब हम इसको दबा लेते हैं थोड़ी देर, तो उसके बाद में ऊपर आपको स्टार का बटन दिखता है, ये इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों इसको हम जब कभी भी देखना चाहेंगे तो हम इसको देख सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, और 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टार्ड मैसेज लिखा हुआ दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये मैसेज आ गया है यहाँ पर। तो हमारी सेकेंड ट्रिक ये है। तो हम किसी की भी मैसेज को यहाँ पर बाद में कभी भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में तीसरी ट्रिक है। दोस्तों इसके लिए ये हमको क्या करना होगा, वापस 3 डॉट्स पर ऊपर जाना है, और 3 डॉट्स पर जाने के बाद में हमको सेटिंग पर क्लिक करना है। अब दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में हमको ऊपर अकाउंट पर क्लिक करना है।
अब दोस्तों अकाउंट पर हम क्लिक कर देंगे तो इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो दोस्तों इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों इससे होता क्या है, हम यहाँ पर रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो इससे हमारी जो हमने पिछले टाइम पर क्या किया था हमारे व्हाट्सएप अकाउंट के साथ में, क्या हमने कौन सी फ़ोटो चेंज की थी और किसको मैसेज किए थे, वो सारी डिटेल्स हमारी आ जाती है जब हम रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में एक और ट्रिक है चौथी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों चौथी ट्रिक क्या है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जैसे कि आपकी जो फाइल होती है, आप फोटो वगैरह कोई भेजता है आपको व्हाट्सएप पर, तो वो गैलरी में शो होती है, और यदि आप ये चाहते हैं कि वो गैलरी में शो नहीं हो तो हम उसको यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसी सेटिंग भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, किसी ने मुझे फ़ोटो भेजी, अब जैसे ये फ़ोटो मुझे किसी ने भेजी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी फ़ोटो मुझे किसी ने भेजी, तो अब ये गैलरी में शो होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये गैलरी में शो नहीं हो, तो मैं ऊपर इस, यदि मैं चाहता हूँ कि ये जिसने मुझे ये फ़ोटो भेजी है केवल इसी बंदे की फ़ोटो गैलरी में शो नहीं हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऊपर क्लिक करना होगा नाम पर, तो हमने नाम पर क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मीडिया विजिबिलिटी, तो हमको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर नो कर देना है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर नो कर दिया और ओके कर देना है। तो अब हमको जब ये कभी भी फ़ोटो सेंड करेगा तो ये गैलरी में शो नहीं होगी। दोस्तों एक तो हुई पर्सनल की बात, अब दोस्तों हम चाहते हैं कि हम किसी की भी फ़ोटो गैलरी में सही शो नहीं हो, जैसे कि कोई भी हमको फ़ोटो सेंड करता है व्हाट्सएप पर, तो वो गैलरी में शो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद में सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, चैट्स पर हैं। अब दोस्तों चैट पर क्लिक करने के बाद में क्या होगा, जैसे हम चैट पर क्लिक हमने क्लिक कर दिया, अब दोस्तों नीचे लिखा हुआ है शो मीडिया इन गैलरी, तो दोस्तों यहां पर हम इसको ऑन किया हुआ है हमने, तो हम इसको ऑफ कर देंगे। अब दोस्तों हम फोटो है वो उसमें नहीं दिखेगी, गैलरी में नहीं दिखेगी। तो ये हमारी ट्रिक थी दोस्तों। इसके अलावा आप अपने नंबर चेंज करते हैं तो उस नंबर, जैसे कि आपने आपके दूसरे नंबर चेंज किए, तो अब आप व्हाट्सएप अकाउंट बनाओगे तो फिर आपको किसी पर्सनल व्यक्ति को एक एक करके नंबर सेंड करना पड़ता है। तो दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना, किसी को भी नंबर सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास में नंबर पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। तो अब उसके लिए कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर अकाउंट, उस पर हमने क्लिक किया। उस पर क्लिक करने के बाद में चेंज नंबर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक किया। अब दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर योर ओल्ड कंट्री कोड एंड फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर हमको हमारे पुराने नंबर लिखने हैं, उसके बाद में हमको यहाँ पर नए नंबर लिख देने। अब दोस्तों उसके बाद में ऑप्शन आता है कि आप किस किस को मैसेज भेजना चाहते हैं जो आपने नंबर चेंज किए हैं उसके, तो वो आप अपने हिसाब से नंबर भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी नंबर चेंज नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में क्या है कि हमारी जो अगली ट्रिक है वो ये है कि जैसे कि आप कभी भी, जैसे आपका व्हाट्सएप का ऐप है, केवल उस पर आप यहीं से लॉक लगा सकते हैं कि आपको किसी अदर ऐप लॉक ऐप की ज़रूरत नहीं है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद में सेटिंग पर क्लिक करना है दोस्तों। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करना है। जब आप अकाउंट पर क्लिक करोगे तो टू स्टेप वेरिफिकेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा तीसरे नंबर पर, उस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर पहले डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से ही पासवर्ड डाले हुए हैं। तो दोस्तों ये डिसेबल हो रहा है, मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करना होता है। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पर जैसे कि हम कुछ भी पासवर्ड चूज करना चाहते हैं तो हमको इनेबल करना होगा, नीचे लिखा हुआ है इनेबल, तो हम इनेबल कर देते हैं। अब दोस्तों जब हम इस पर इनेबल पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर 6 नंबर का पासवर्ड चुनना पड़ेगा, जैसे कि हम कुछ भी चुन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों उसके बाद में कंफर्म करना है तो वापस कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, और नहीं तो आप ऊपर लिखा हुआ है स्किप, तो उस स्किप पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर उसके बाद ओके कर देना है आपको।
अब जब हम ओके कर देंगे तो ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो ऐप है व्हाट्सअप उस पर लॉक लग जाएगा। जब कभी भी आप व्हाट्सअप ओपन करोगे तो आपको ये कोड डालने पड़ेंगे। जैसे आप कोई भी अदर व्यक्ति किसी और मोबाइल में व्हाट्सअप ओपन करना चाहता है तो वो ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको फिर इस लॉक की ज़रूरत पड़ती है, इन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है तभी ओपन होगा, और ये पासवर्ड उसके पास में होंगे नहीं तो वो ओपन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ट्रिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक्स पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।